हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल डे टू डे अपडेट में। दोस्तों, एसएससी में जो मल्टीटास्किंग स्टाफ के नॉन टेक्निकल विभाग में 10,000 से अधिक पदों पर जो भर्ती निकलने वाली थी, उससे रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कुछ दिन पहले, जिसमें मैंने बताया था कि इसका जो ऑनलाइन अप्लाई है 22 अप्रैल से आपको स्टार्ट हो जाएगा और उसका जल्द ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूंगा अभी कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन फुल डिटेल में जारी हो गया है, उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, प्रॉमिस किया था, इसका फुल डिस्कशन हम इस चैनल के माध्यम से लेकर आने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है, उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे। तो आप देख सकते हैं अभी हमें स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे और सबसे ऊपर में आज ही के डेट में यानी 22 अप्रैल 2019 के डेट में यहाँ पे पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन का ही पीडीएफ है। इसे मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रख लिया है। अब चलिए चलते हैं उस पे, लेकिन उससे पहले एक मिनट फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि पर्पल का अपडेट आपको मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ऊपर में लिखा हुआ है कि टू बी अपलोडेड ऑन द कमीशन्स वेबसाइट 22 अप्रैल 2019। ठीक है, 22 अप्रैल को ही आज यानी आज ही के डेट में ये जो है नोटिफिकेशन यहाँ पे अपलोड कर दिया गया है वेबसाइट पे। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑनलाइन अप्लाई आप 22 अप्रैल से लेकर 29 मई 2019 तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और जो लास्ट डेट है आपको रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन का, जैसा कि ऊपर में भी यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी नोटिस किया गया है कि 5 बजे तक आपको 29 मई के 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट है 31 मई 2019, जो कि पेमेंट का लास्ट डेट 31 मई 2019 है। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान, अगर आप चालान के माध्यम से पेमेंट करते हैं तो 1 जून 2019 तक इसका लास्ट डेट है। और इसका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो होने वाला है टीयर फर्स्ट का, वो 2 अगस्त 2019 से लेके 6 सितंबर 2019 तक होगा। ठीक है, और जो सेकेंड टीयर का एग्जामिनेशन है यानी जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है, वो 17 नवंबर 2019 को इसका एग्जामिनेशन हेल्ड किया गया है। आगे बढ़िएगा यहाँ पे, तो वैकेंसीज दिया गया है। सबसे यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, ये वैकेंसी अभी रिवील नहीं किया गया है कितना है, आपको लिखा गया कि वैकेंसीज विल बी डिटरमाइंड इन द ड्यू कोर्स। ठीक है, तो यथासमय वैकेंसी यहाँ पे जारी किया जाएगा, यहाँ पे ऐसा कुछ बताया गया है। और इसका वैकेंसी का डिटेल जब भी इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा, हम उसका वीडियो एक अलग से बनाकर आप लोगों को दे देंगे। यहाँ पे एज लिमिट लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे नेशनलिटी लिखा हुआ है 5th नंबर में। यहाँ पे नेशनलिटी आपको इंडिया के हैं अगर आप निवासी हैं, या फिर नेपाल या फिर भूटान से अगर आप बिलोंग करते हैं, या फिर तिब्बतियन रिफ्यूजी हैं तो भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए आप एलिजिबल हैं। नीचे आएगा तो एज लिमिट लिखा हुआ है, एज लिमिट आपको बता दें यहाँ पे 2 डिपार्टमेंट में यहाँ वैकेंसी है। ठीक है, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, जिसमें आपको 18 से 25 ईयर आपको मांग रहा है एक में, जो कि 1 अगस्त 2019 को काउंट होगा। और जो सेकेंड डिपार्टमेंट वाला है उसमें आपको 18 से 27 ईयर आपको मांग रहा है, यानी मिनिमम 18 ईयर्स मैक्सिमम 27 ईयर। और जो डेट काउंट होगा 1 अगस्त 2019 को काउंट होगा, तो आप काउंट करके देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको बता दूं कि अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलेगा, जैसा कि सभी वैकेंसी गवर्नमेंट जॉब में आपको मिलता है, वैसे ही इसमें भी अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलेगा। जैसे कि एस सी एस टी कैंडिडेट को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, ओ बी सी के 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, ऐसे ही सभी रिलैक्सेशन आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। यहाँ पे मैं आगे बढ़ने से पहले एक बात और बता दूं फ्रेंड्स, कि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पे आपको 2 लिंक मिलेगा। पहला लिंक रहेगा ऑनलाइन अप्लाई का, जिसमें आपको 2 सेक्शन मिल जाएगा, पहला आपको रजिस्ट्रेशन का मिलेगा और दूसरा लॉगिन का। ठीक है, और जो थर्ड लिंक रहेगा यानी जो लास्ट लिंक रहेगा, आपको इस पीडीएफ को डाउनलोड करने का लिंक रहेगा, आप वहाँ से इस पीडीएफ को भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं केवल और केवल 1 क्लिक में। और यहाँ पे लिखा हुआ एप्लीकेशन फी आपको बता दूं, जनरल ओबीसी कि मेल कैंडिडेट को 100 रुपया फी पेमेंट करना है यहाँ पे, और बाकी सब जो कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे फी को नहीं रखा गया, यानी 0 रुपया किया गया है। जो वुमेन कैंडिडेट हैं उनको भी यहाँ पे कोई फी नहीं देना है, और जो एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी ई एस एम यानी एक्स सर्विसमैन जो कैंडिडेट हैं उनको भी फी यहाँ पे नहीं देना है। और यहाँ पे देख सकते हैं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, तो अलग अलग जो रीजन है उसका अलग अलग आपको सिटी में आपका जो है सेंटर पढ़ने वाला है। यहाँ पे टेंटेटिव सेंटर का लिस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर है, सेंटर कोड लिखा हुआ है, एसएससी रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है, या फिर स्टेट लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं जैसे कि आप बिहार या फिर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो इन सभी सिटीज में आपको सेंटर यहाँ पे मिलने की संभावना है, यहीं पर ही मिलेगा आपको सेंटर। जैसे कि अगर आप बिहार या फिर उत्तर प्रदेश के रीजन से बिलोंग करते हैं तो आपको भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, इलाहाबाद, गोरखपुर,
कानपुर, मेरठ, वाराणसी, मुरादाबाद, लखनऊ, बरेली, झांसी, ऐसे कुछ आपको सेंटर देखने को मिल जाएगा जो कि आपके नज़दीक ही रहेगा। आपके जो भी आपके मसाले हैं जहाँ से भी आप निवास करते हैं उसके नज़दीक में ही रहेगा। तो आप सेंटर का आप फिक्र न करें। आप अगर आप इस पोस्ट को भरने के लिए एलिजिबल हैं तो आप बेशक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपको बता दूं कि वैकेंसी का टेबल भले ही रिलीज नहीं हुआ है, सभी को अंदाजा है इससे जो मैंने आपको बताया था। अमर उजाला न्यूज़पेपर का हवाला देते हुए जैसा कि मैंने आपको बताया था उसके हिसाब से वैकेंसी का जो संख्या है, आपको जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है 10,000 के आसपास होने वाला है या फिर 10,000 के पार भी जा सकता है। ठीक है, आप सभी सेंटर यहाँ पे देख सकते हैं। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, आपको पीडीएफ को डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, आपको एग्जामिनेशन का स्कीम बता दे रहा हूँ। दो पेपर होगा यहाँ पे, पहला पेपर होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा जिसको पेपर फर्स्ट बोला गया है, और सेकेंड पेपर डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। ठीक है, तो दो पेपर में आपका एग्जामिनेशन होगा, वहाँ के बाद में आपका फाइनल मेरिट बनेगा लास्ट में। ठीक है, और यहाँ पे आइएगा तो सिलेबस और डिटेल दिया गया है, सिलेबस के बारे में अगर आप बोलिएगा तो अलग से डेडिकेटेड वीडियो हम बनाकर आप लोगों को दे देंगे। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी बहुत सारा ये सब डॉक्यूमेंट लगेगा, लास्ट में आपका सबसे फाइनल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तभी आपका सिलेक्शन होगा। ये सब डॉक्यूमेंट लगेगा, बोलिएगा तो इस पर भी मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर दे दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस वैकेंसी से रिगार्डिंग सभी डिटेल मैंने प्रोवाइड करा दिया है। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स से कमेंट कर सकते हैं। और मैं एक बार फिर बता दूं कि अगर आपको ऑनलाइन करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। पहला लिंक रहेगा आपको रजिस्ट्रेशन का, जिससे अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं अभी तक SSC के लिए तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर हैं यानी पहले से ही रजिस्ट्रेशन किया है तो आप वहाँ से लॉग इन कर सकते हैं। वहाँ पर दोनों लिंक अवेलेबल है। और जो लास्ट लिंक है आपको इस पीडीएफ को, जो मैंने पीडीएफ आपको बताया है उस पीडीएफ को डाउनलोड करने का लिंक है, आप वहां से उस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।